अगर आज हम लोगों ने एआरबीएस से गॉड केस वाले कमांडर को नहीं मारा तो आएगा जी लोग दोबारा से हम लोग के कैसल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अबे वो तो ठीक है, हम लोग इसको मारे हैं कैसे यार? जो आप यार डीमन स्मैश हो, उसके वेपन्स भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, तेरी म्यूटेंट भी यहाँ पे ज्यादा ओपी काम नहीं कर रही, मेरा हाइड्रा भी यार गाइस यहाँ पे फेल है, सिंचेंग के ब्रोसोस के पास भी ज्यादा पावर्स नहीं है। अरे हम लोग के हीरो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर ये भी तो एआरबीएस से गॉड का कमांडर है यार। हां नहीं यार, चॉप जी वाला कमांडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और गाइस अभी इसके साथ यहाँ पे कोई भी गोडजिला नहीं है। अगर तो हम लोगों ने इस वाले एआरबीएस से गॉड के कमांडर को मार दिया तो फिर गाइस एआरबीएस का गॉड बिल्कुल अकेला हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके तीन सोल्जर्स को तो मार दिया है। अभी यहाँ पे बचा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका जी वाला कमांडर बचा है। अब वो तो ठीक है, मगर हम लोग इस वाले कमांडर को मारे कैसे यार? जो आप यार इसको तो हम लोग को मारना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ कि एक एक करके हम लोग सारे के सारे अपने कस्टम यूनिट्स को ट्राई करते हैं, कोई एक यूनिट तो इसको मार लेगा। अरे मैं मुझे तो लगता है कि हम लोग का थॉर स्क्वाड जिसको मार लेगा यार। जो आप यार लगता तो मुझे भी यही है, क्योंकि गाइस आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इसके साथ कोई भी गोडजिला नहीं है। अरे गोडजिला को मारने का कोई भी फायदा नहीं है यार। हाँ यार, चॉप गोडजिला को मारने का फायदा नहीं है, क्योंकि गाइस एआरबीएस का गॉड सारे के सारे गोडजिला को दोबारा जिंदा कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले मारना होगा एआरबीएस से गॉड के इस वाले कमांडर को, उसके बाद हम लोग को मारना होगा एआरबीएस से गॉड को, और फिर गाइस गोडजिला यहाँ पे बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। अरे हाँ इतना, मगर हम लोगों ने गोडजिला के बॉस को तो देखे ही नहीं है, और हम लोग गोडजिला का गॉड भी हम लोगों ने नहीं देखा यार। हाँ यार, चॉप गोडजिला का गॉड भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, मगर यार चॉप उन लोग को मारने का तब तक फायदा नहीं है जब तक एआरबीएस का गॉड नहीं मर जाता। अरे हाँ हाँ, एआरबीएस का गॉड सारे के सारे गोडजिला को दोबारा जिंदा कर लेता है। हाँ यार सिंचन, इसलिए हम लोग के पास यही मौका है, तू देख लेगा यहाँ पे कोई भी गोडजिला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एआरबीएस गॉड का ये वाला कमांडर यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ट्राई करता हूँ अपनी इस वाली कस्टम कार को, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्चर्स को लगाया हुआ है। अरे वाकई में ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। हाँ यार चॉप, हम लोग इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, कोई ना कोई यूनिट तो जाएगा इस वाले कमांडर को पक्का मारेगा। अरे गाड़ी तो यहाँ पे फेल है यार। हाँ यार चॉप, हम लोग की गाड़ी यहाँ पे फेल है, मगर हम लोग के पास और भी काफी ज्यादा खतरनाक यूनिट्स हैं। तो मैं काम करता हूँ कि अभी यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपने इस वाले टीरेक्स को। अरे हाँ ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ यार सिंचन, मुझे पता है ये तेरा फेवरेट है, और इसके ऊपर हम लोगों ने तेरी फेवरेट लाइट्स को भी लगाया है। मगर यार सिंचन, जी वाला टीरेक्स एआरबीएस के गॉड के सोल्जर नंबर 3 को नहीं मार सका था। अरे उसको तो हम लोग के थोर स्कॉट्स ने मारा था यार। हाँ यार चॉप, मगर हम लोग यहाँ पे अपने टीरेक्स को भी ट्राई करके देखते हैं। अरे हाँ हम लोग का टीरेक्स यहाँ पे पक्का जीतेगा। सिंचन यार काफी ज्यादा ओपी फाइट किया इसने, मगर गाइस ये फिर भी मर गया। हम लोग इसकी हेल्थ देखते हैं। अरे इसकी तो काफी ज्यादा हेल्थ खत्म होगी यार। हाँ यार चॉप, हम लोग के कस्टम यूनिट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज तो गाइस ये यहाँ पे मरे बगैर जाएगा नहीं। अरे मर गया तो जाएगा कैसे यार? चॉप यार मेरा मतलब ये है कि आज हम लोग इसको मारे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। अरे यार आज तो हम लोग को इसको मारना ही पड़ेगा यार, ऐसा मौका हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी ये वाला यूनिट यहाँ पे अकेला है, हम लोग को जल्दी से इसको मारना होगा। मैं तुम्हारे सारे के सारे यूनिट्स को एक सेकंड के अंदर मार दूंगा, और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे गोडजिला क्यों नहीं है। हाँ मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पे गोडजिला क्यों नहीं है, सारे के सारे गोडजिला एआरबीएस से गॉड के पास है, और हम सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे डीमन स्मैश हाउस को मारने की, और साथ में हम लोगों ने सुना है तुम्हारे पास थॉर स्कॉर्च भी है। अगर तो तुम लोगों ने हम लोग को अपना थॉर स्कॉर्च दे दिया और डीमन स्मैश हाउस की लोकेशन बता दी तो हम लोग ये वाला कैसल तुम्हें दे देंगे। हाँ तुमने बोला और मैं तुम्हारी बात को सच मान लूं, है ना? हाँ तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अरे हाँ ये तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ यार सिंचन, मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, हम लोग आज इसको मारेंगे। सिंचन लगता है कि इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो गाइस हम लोग अभी ट्राई करने वाले अपने इस वाले कस्टम यूनिट को, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं गाइस ये यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। तो बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है। अरे भाई हम लोग का ये वाला यूनिट तो मर गया यार, वाकई में चॉप ये वाला यूनिट तो बहुत जल्दी मर गया। अरे हम दे अगला नंबर हम लोग के थॉर स्कॉर्च का है। अरे नहीं हम लोग को इसको यूज नहीं करना यार। चॉप यार मुझे तो लगता है कि ये इस वाले कमांडर को मार लेगा। अरे वैसे वाले कमांडर को तो मार लेगा, मगर हम लोग को इसको यूज नहीं करना यार। अरे हाँ हाँ भाई डीमन स्मैश हाउस ने हम लोग को इसको यूज करने से मना किया था, मगर यार सिंचन मैं इस वाले कमांडर को मारना चाहता हूँ। अरे वो तो ठीक है, मगर हम लोग का थॉर स्कॉर्च मर गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे यार? नहीं मरेगा चॉप, बिल्कुल भी नहीं मरेगा, मुझे पक्का पता है। मुझे तुम्हारे थॉर स्कॉर्च का इंतजार था, अभी मैं तुम्हारे थॉर स्कॉर्च को लेकर जाऊंगा अपने एआरबीएस से गॉड के पास, और उसके बाद हम लोग ये वाला कैसल तुम्हें दे देंगे। अरे बस की बात पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो यार। चॉप यार मैं कौन सा इसको अपना थॉर स्कॉर्च दे रहा हूँ, इन लोग की तो यार कुछ ज्यादा खतरनाक प्लानिंग है। अरे यार हामिद मेरा ब्रचर सोर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ वैसे यार सिंचन तेरा ब्रचर सोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं कि यार गाइस यहाँ पे जीत पाते हैं कि नहीं। तो यार गाइस ये क्या हुआ? अरे यार हामिद लगता है कि मेरा ब्रचर सोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ यार सिंचन तभी यहाँ पे मर चुका है। हम लोग इसकी हेल्थ को देखते हैं, तो यार सिंचन इसकी तो बिल्कुल भी हेल्थ खत्म नहीं हुई। तो यार गाइस अभी यहाँ पे भारी आ चुकी है अपने स्नेक टैंक को यूज करने की। अरे वाकई में ये भी हम लोग की मिलिट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टैंक है यार। हाँ यार चॉप, मगर इस वाले कमांडर ने हम लोग को इसको सही से अपग्रेड नहीं करने दिया था। अरे मैं तो बोलता हूँ हम लोग अभी इसको अपग्रेड करते हैं यार। हाँ वैसे यार चॉप ये भी हो सकता है। अरे हाँ हामिद ये वाला मौका हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ यार सिंचन अभी हम लोग का टैंक हमारे अपने कैसल के अंदर खड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अरे मगर ये वाला कमांडर यहाँ पे वेट नहीं करेगा यार। हाँ यार चॉप ये यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। मगर यार चॉप हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। अरे हम लोगों ने यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर को लगाना था यार। हाँ यार चॉप हम लोग यहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है अपने टैंक के ऊपर रॉकेट लॉन्चर को लगाने का। एक रॉकेट लॉन्चर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरा रॉकेट लॉन्चर मुझे यहाँ पे लगाना होगा। अरे वह कमांडर ने अटैक कर लिया यार। अबे यार चॉप मुझे पता था ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है। हाँ 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 मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी यूनिट अपग्रेड नहीं करने दूंगा, तुम्हारे सारे के सारे यूनिट्स को मैं अभी यहाँ पे मारने वाला हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही डरपोक हो, अगर तो मेरा टैंक यहाँ पे एक दफा फुली अपग्रेड हो गया ना तो तुम्हारे बचने का तो यहाँ पे चांस है ही नहीं। अरे बाकी मैं इसको मेरे टैंक से बहुत ज्यादा
डर लगता यार। चौपे हम लोग का टैंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग की मिलिट्री का अनडिफीटेड टैंक है ये। अरे मैं वाकई में खतरनाक दो, मगर ये यहाँ पे इसको अपग्रेड करने नहीं दे रहा यार। चौपे मैं इसकी हेल्थ देखता हूँ, तो आएगा जी आप लोग देख रहे हो कि इसकी कितनी थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पे रह चुकी है। अरे हाँ भाई, तभी हम लोग के टैंक से बहुत ज्यादा डरता है। मगर यार संजय, हम लोग किसी और टाइम अपने टैंक को अपग्रेड करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपने मॉन्स्टर को ट्राई करके देखते हैं। ये भी आएगा इस काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर आगे कमांडर भी खड़ा हुआ है, देखते हैं कि हम लोग का जी वाला मॉन्स्टर यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। हाँ भाई, तो एक सेकंड में मर गया यार। हाँ वैसे यार चौप, ये तो एक सेकंड के अंदर मर चुका है। अरे वहां लगता है कि मुझे अपनी म्यूटेंट को यहाँ पे लेकर आना चाहिए यार। चौप यार, हम लोग लाइन से चलेंगे, देखते हैं कि अगली बारी कौन सी यूनिट की है। अरे अगली बारी मेरी म्यूटेंट की है यार। हाँ वैसे यार चौप, अगली बारी तो तेरी म्यूटेंट की है, मगर यार चौप तुझे लगता है कि ये यहाँ पे जीत पाएगी? अरे यार बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया यार। चौप यार तेरे पास एक ही यूनिट है, हम लोग इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग देख रहे हो कि चौप की म्यूटेंट एक सेकंड के अंदर यहाँ पे मर चुकी है, और इसकी तो बिल्कुल भी हेल्थ खत्म नहीं हुई। चौप यार तेरी म्यूटेंट से ज्यादा खतरनाक तो मेरा टैंक था। अरे वाकई में हम लोग की मिलिट्री का टैंक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। मगर यार चौप मुझे लगता है कि हम लोग का ड्रैगन यहाँ पे जीत जाएगा। अरे आपने तो बहुत लाइन से चलेंगे यार। ठीक है चौप, हम लोग यहाँ पे लाइन से चलते हैं। तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा ये हम लोग का कस्टम क्रोकोडाइल है, जिसको हम लोगों ने रेप्टाइल्स मिलिट्री बेस के अंदर बनाया था। साथ में इसके ऊपर जेट इंजन भी लगे हुए हैं, और गाइस इसके पास पावर्स काफी ज्यादा है। आप लोग देख रहे हो कि इसकी बैक साइड के ऊपर कितनी ज्यादा लाइटनिंग गन्स लगी हुई है, साथ में यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए, और यहाँ पे एंड पे आ गाइस हम लोगों ने प्लाज्मा कैनन को लगाया था, और सारे के सारे आर्मर्स के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए। इनकी आंखों के अंदर भी प्लाज्मा कैनन है, और इसकी सारे के सारे शील्ड के ऊपर भी प्लाज्मा कैनन है। हम लोग का जीवा यूनिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो गाइस हम लोग इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। अरे मुझे तो लगता है कि हम लोग का जीवा यूनिट यहाँ पे पक्का जीतेगा यार। नहीं यार चौप, ये भी यहाँ पे हार चुका है। अरे इसकी तो यहाँ पे टेल ही कट गई यार। हाँ यार चौप, इसकी टेल यहाँ पे नीचे गिर गई। अरे यार हामिदा, मगर ये तो पीछे से खड़ा हो चुका है। सिंचन यार ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, मैं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे कस्टम यूनिट को ट्राई करते हैं। तो यार गाइस अभी यहाँ पे बारी है सिंचन की डेथ मशीन को यूज करने की, मगर ये तो यहाँ पे उल्टी लग गई है, हम लोग को इसको ऐसे खड़ा करना होगा। अरे यार हाँ ये तो मेरी मशीन है। हाँ यार सिंचन, मुझे पता है ये तेरी मशीन है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर यार सिंचन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको और भी ज्यादा अपग्रेड करें। अरे अपग्रेड करने का टाइम नहीं, ये वाला कमांडर एक सेकंड में मार देगा यार। हाँ यार चौप, यही तो दिक्कत हो रही है। एक तो यार गाइस हम लोग के कैसल के बाहर खड़ा हुआ है, और हम लोग को अपने कैसल के अंदर भी यूनिट को अपग्रेड नहीं करने दे रहा। अरे भाई यही मौका इसको मारने का, नहीं तो गोर्दन यहाँ पे आ जाएंगे यार। चौप यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है कि पक्का मरेगा। आज हम लोग इसको यार चौप छोड़ेंगे नहीं, देखते हैं कि सिंचन की मशीन यहाँ पे जीत पाती है नहीं। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अभी तक तो बहुत ज्यादा ओपी काम कर रही थी, मगर यार सिंचन की डेथ मशीन भी यहाँ पे टूट चुकी है। हम लोग इसकी हेल्थ देखते हैं, तो यार गाइस इसकी तो हेल्थ ही खत्म नहीं हो रही। अरे मैं लगता है कि आपके हार्डा को यूज करने का टाइम आ चुका है यार। चौप यार हार्डा का नंबर अभी आगे है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले कस्टम गोरो को यूज करके देखते हैं। अरे यार हाँ ये तो एक सेकंड में मर जाएगा। सिंचन अगर ये बात है तो मैं इसके साथ खड़े करता हूँ ढेर सारे रॉकीज को। थोड़े से रॉकीज को मुझे यहाँ पे खड़ा करना होगा, थोड़े से रॉकीज को मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ। अरे मैं तो बोलता हूँ कि 100 रॉकीज को खड़ा करते हैं यार। ठीक है यार चौप, मैं यहाँ पे सारे की सारी जगह के ऊपर अपने ढेर सारे रॉकीज को खड़ा करने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो यार गाइस कितने ज्यादा रॉकीज यहाँ पे आ चुके हैं। एक दफा यार गाइस अगर इन लोग के रॉकेट्स यहाँ पे निकल गए ना, फिर हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हम लोग का गोरो तो यहाँ पे हवा में उड़ा, मगर यार गाइस गोरो हम लोग का मर गया। इन लोग के रॉकेट्स यार गाइस पता नहीं क्यों यहाँ पे निकल नहीं रहे। अरे लगता है रॉकी के रॉकेट्स निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यार। चौप यार मगर इतना टाइम ये वाला कमांडर हम लोग को कहां देगा। इसकी हम लोग हेल्थ देखते हैं, तो यार गाइस दोबारा से इसकी हेल्थ बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। अरे यार हां मैं देखते हैं कि ये वाला मॉन्स्टर यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। सिंचन यार ये वाला मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। एआरबीएस के गॉड के सोल्जर नंबर 1 को यार गाइस हम लोग के इस वाले सोल्जर ने मारा था। आप लोग देख रहे हो इसकी टांगों के ऊपर कितने ज्यादा प्लाज्मा कैनन है। अरे वाकई में ये वाला मॉन्स्टर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था यार। हां यार चौप, तभी इसने एआरबीएस के गॉड के सोल्जर नंबर 1 को हराया था। आप लोग देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पे बोन स्पाइक लगा हुआ है, जिसके अंदर ढेर सारी लाइटिंग गन्स है। अरे यार हामिद, मगर अभी तो यहाँ पे हाइड्रा की बारी है। हाँ यार सिंचन हाइड्रा की बारी, हम लोग यहाँ पे लाइन से चलेंगे, देखते हैं गाइस मेरा हाइड्रा यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अरे आपका हाइड्रा यहाँ पे मर गया यार। अबे यार चौप, ये तो कुछ ज्यादा ही नुबड़ा निकला है। इसकी तो यार गाइस बिल्कुल भी हेल्थ खत्म नहीं हुई। अरे यार हामिद, अभी हम लोग यहाँ पे अपने ड्रैगन को यूज करेंगे। हाँ यार सिंचन, पीछे हम लोग का ड्रैगन रह चुका है, साथ में हम लोग का थोर स्कॉर्च भी रह गया है, और यार गाइस हम लोग का जी वाला मॉन्स्टर भी अभी रहता है। इस वाले मॉन्स्टर ने एयरबीएस से गॉड के सोल्जर नंबर 1 को मारा था, हम लोग के थोर स्कॉर्च ने एयरबीएस से गॉड के सोल्जर नंबर 2 को मारा था, और यार गाइस हम लोग के थोर स्कॉर्च ने एयरबीएस से गॉड के सोल्जर नंबर 3 को भी मारा था, और हम लोग के इस वाले ड्रैगन ने दो गोडजिला को अकेले मारा हुआ है। अरे हाँ हाँ इस वाले ड्रैगन ने मेरे फार्म को सेव किया था। हाँ यार सिंचन, ये वही ड्रैगन है। तो गाइस हम लोग की आर्मी के अंदर जीवा यूनिट बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये हम लोग का थोर स्कॉर्च है, ये हम लोग का स्नो ड्रैगन है, और गाइस ये हम लोग का मॉन्स्टर है। अरे मैं तो बोलता हूँ गॉड को मॉन्स्टर ही मार सकता है यार। हाँ यार चौप, ये वाला मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्कॉर्च भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और गाइस ये वाला ड्रैगन भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सी यूनिट को यूज करें। अरे थोर स्कॉर्च को हम लोग यूज नहीं कर सकते यार। हाँ वैसे यार चौप, थोर स्कॉर्च तो हम लोग का अनडिफीटेड है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। पीछे बच गया यार गाइस हम लोग का ये वाला मॉन्स्टर, और हम लोग का ये वाला ड्रैगन, और गाइस मुझे तो लगता है कि हम लोग का ये वाला ड्रैगन भी इस वाले कमांडर को मार सकता है, और हम लोग का ये वाला मॉन्स्टर भी इस वाले कमांडर को मार सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपने इस वाले ड्रैगन को यूज करके देखते हैं। अरे भाई ये वाला ड्रैगन सिर्फ गोडजिला को मार सकता है, सामने एयरबीएस से गॉड का कमांडर खड़ा हुआ यार। गोडजिला को तो यार गाइस ये बहुत इजीली मार सकता है, मगर यार गाइस हम लोग को ये नहीं पता कि इस वाले कमांडर को ये मार
पाएगा कि नहीं। तो गाइस बैटल यहां पे स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोगों को स्लोमो में दिखाता हूं। अरे वो स्लोमो में हम लोग का ड्रैगन मर गया यार। अबे यार चॉप, ये कैसे मुमकिन है? अरे पता नहीं क्या हो रहा है यहां पर यार। अरे हां हम लोग को अपने ड्रैगन को थोड़ा सा पीछे खड़ा करना होगा। ठीक है संजय, हम लोग अपने ड्रैगन को यहां पे खड़ा करके ट्राई करते हैं, देखते हैं गाइस अभी यहां पे जीत पाता है कि नहीं। अरे हम लोग का ड्रैगन दोबारा मर गया यार। हां यार चॉप, इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, हम लोग इसको और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। और आप लोग देख रहे हो गाइस इसकी कितनी ज्यादा हेल्थ खत्म हो गई है। तो गाइस लगता है कि अभी यहां पे अपने थॉर स्कॉच को यूज करने का टाइम आ चुका है। अरे मगर डीमन स्मैश सोर्स से मना किया था यार चॉप, यार हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अरे हमें हम लोग का थॉर स्कॉच यहां पे पक्का जीतेगा। तो गाइस हम लोग के पास ये जो बाकी के यूनिट्स है ना, ये सारा के सारा यूनिट्स गॉडजिला के लिए तो इनफ रहेंगे, मगर गाइस एआरबीएस से गॉड की आर्मी को मारने के लिए हम लोग को अपने ये वाले यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोग के इस वाले मॉन्स्टर ने एआरबीएस से गॉड के सोल्जर नंबर 1 को मारा है, और गाइस एआरबीएस से गॉड के सोल्जर नंबर 2 और 3 को मारा है हम लोग के इस वाले थॉर स्कॉच ने। अरे भाई एआरबीएस से गॉड की आर्मी के लिए हम लोग को अपने इन दो यूनिट्स को यूज करना पड़ेगा यार। मगर चॉप हम लोग यहां पे अपने थॉर स्कॉच को यूज नहीं करेंगे। अरे हम लोग का ये वाला मॉन्स्टर यहां पे कैसे जीतेगा यार? चॉप यार ये वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि इसको हम लोगों ने खुद अपग्रेड किया है, इसके हाथ भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, साथ में आप लोग देख रहे हो इसका मूव भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ये हम लोग की आर्मी का मॉन्स्टर है। अरे हां मैं मुझे पता है ये हम लोग का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। हां यार सिंचे इससे ज्यादा खतरनाक ना ही कोई एलियन है और ना ही कोई मॉन्स्टर है, और गाइस अब तक तो ये हम लोग का अनडिफीटेड यूनिट है। अरे हम लोग का थॉर स्कॉच भी तो अनडिफीटेड है यार, मगर चॉप उसको अभी हम लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते, हम लोग को यहां पे अपने मॉन्स्टर को यूज करना होगा। अरे भाई ये वाला मॉन्स्टर इस वाले कमांडर को कैसे मारेगा यार? चॉप यार जब ये अकेले एआरबीएस से गॉड के सोल्जर्स को मार सकता है तो एआरबीएस से गॉड के कमांडर को भी मार सकता है, और गाइस मुझे इस पे पूरा विश्वास है। ये वाला यूनिट हम लोगों ने खास एआरबीएस से गॉड की आर्मी को मारने के लिए बनाया था। तो गाइस अभी यहां पे टाइम आ चुका है इसको यूज करने का, और ऐसा मौका हम लोग को दोबारा यहां पे मिलेगा नहीं। अभी गाइस एआरबीएस से गॉड का कमांडर यहां पे अकेला है, अगर तो हम लोगों ने इसको मार दिया ना तो गाइस इसका चैप्टर तो यहां पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग गॉडजिला को भी देख लेंगे। तो गाइस बैटल यहां पे स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोगों को स्लोमो में दिखाता हूं। अरे हम लोग का मॉन्स्टर यहां पे जीतेगा यार। तो गाइस मुझे अपने मॉन्स्टर पे पूरा विश्वास था कि गाइस ये हम लोग को यहां पे पक्का जितवा देगा। अरे दोबारा बैटल को स्टार्ट करके देखते हैं यार। ठीक है यार चॉप, मुझे पता है कि तुझे देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि गाइस हम लोग यहां पे एआरबीएस से गॉड के कमांडर को मार रहे हैं, और इसको मार रहे हैं हम लोग का जी वाला मॉन्स्टर। मैं आप लोग को दोबारा यहां पे बैटल को स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो गाइस जी आप लोग देख रहे हो 1 सेकंड के अंदर अंदर एआरबीएस से गॉड के कमांडर को हम लोग के इस वाले मॉन्स्टर ने मार दिया है, और फाइनली गाइस जी वाला कैसल हम लोग को दोबारा से मिल चुका है। मगर मुझे पता है गाइस इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यहां पे सारे के सारे गॉडजिला भी आ जाएंगे, और साथ में गाइस यहां पे एआरबीएस का गॉड भी आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।